दिल्ली में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और सियासत भी तेज होती जा रही है। दिल्ली सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब दिल्ली के जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठ रही हैं। सवाल है कि क्या अनशन से सॉल्यूशन निकलेगा? रिपोर्ट देखिए। बूंद बूंद को तरसती प्यासी दिल्ली को पानी तो नहीं मिल रहा, लेकिन पानी पर मचा राजनीतिक घमासान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दिलाने के लिए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनशन कर रही हैं। आतिशी ने महात्मा गांधी की राह पर चलते हुए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देकर जंगपुरा की भोकुल कॉलोनी में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी आतिशी जनता की समस्या का समाधान अनशन में ढूंढ रही है और जनता त्राही माम कर रही है। बीजेपी पानी के मामले पर लगातार सरकार की घेराबंदी कर रही है। सांसद मनोज तिवारी ने तो ये तक कह दिया कि अब पानी नहीं है और बारिश होते ही दिल्ली ही पानी पानी हो जाएगी। हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा, दिल्ली में बीजेपी के लोग जल संकट बढ़ा रहे हैं। हरियाणा से दिल्ली के हक का पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा हक का पानी दे दे तो समस्या खत्म हो जाए। दिल्ली में जल संकट पर सियासत भी लगातार जारी है। बीजेपी पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं आतिशी के अनशन पर भी सवाल उठा रही है। धरना किसी कॉलोनी में बैठकर नहीं दिया जाता, कालकाजी में धरने पर क्यों नहीं बैठी आतिशी? दिल्ली सरकार के 2024-25 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली वालों को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड हर दिन 95 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई भी नहीं कर पा रहा। आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में कई कई दिनों से पानी आ ही नहीं रहा, और अगर आ भी रहा है तो इतना नहीं कि जरूरतें पूरी हो सके। राजधानी दिल्ली में पानी का ये संकट हर साल गर्मियों में होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिल्ली का अपना कोई पानी का स्रोत ही नहीं है, उसे पानी के लिए यूपी, हरियाणा और पंजाब पर निर्भर होना पड़ता है। इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा का है। जल मंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली में हर दिन 105 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई होती है, जिसमें से 61 करोड़ 30 लाख गैलन पानी हरियाणा की यमुना से आता है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा से 51 करोड़ 30 लाख गैलन पानी ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि दिल्ली में 10 करोड़ गैलन पानी की कमी है। नई दिल्ली एरिया में 44% सप्लाई कम, तीनों ट्रीटमेंट प्लांट्स में रोज करीब 125 एमएलडी पानी मिलता है। वर्तमान में करीब 70 एमएलडी पानी मिल रहा है, रोजाना के करीब 55 एमएलडी कम पानी मिल रहा है। ये कुल सप्लाई से करीब 44% कम है। एक तरफ गर्मी की मार और दूसरी तरफ जल संकट से हाहाकार, जनता त्राही माम कर रही है। मंत्री जी अनशन पर बैठी हैं। अब सवाल ये कि जनता को पानी कब मिलेगा? जनता सरकार की ओर मुंह ताक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।